पांचवें दिन की ब्याई है, 15 से ऊपर दूध तेरा 16 उसका 17 पर 15 मानना होगा। ये देखो जी, पांचवें दिन की ब्याई हुई झोटी 15 किलो दूध मौके पे तैयार है। पैरों के बीच का जबरदस्त अडर, मोटी मोटी वेन्स आप देखिएगा। ये कितना दूध दे देगी मोनू भाई आपके? 20 से बार बार, 20 किलो दूध से बार बार जाएगी, तैयार करके दे दें। अच्छा, और रेट की बात करें तो कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना? कम से कम 82,000। अच्छा, और दूध की बात करें तो कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना? कम से कम 12, कम से ऊपर तो 17-18। 12 किलो से 17-18 किलो दूध तक की भैंसे आज आप दिखा रहे हो। बिल्कुल। कितनी भैंसे खरीदी आज यहाँ से? 4। 4 भैंसे खरीदी हैं भाई से। कितने टाइम से जुड़े हुए वैसे? पिछले 2.5 साल। 2.5 साल से। तो 2.5 साल में कितनी भैंसे आपके पास जा चुकी होंगी? 60 भैंसे आप खरीद चुके हो। कैसी भैंसे निकली आज तक? किसी को भैंसे उलाहना नहीं आया, सारी भैंस अच्छी निकली। अच्छा, लंबा टाइम दूध दे रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने ताज़ा ब्याई हुई 9 भैंसे एक ही डेयरी फार्म से दिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा पशुधन बिल्कुल रीजनेबल से रेट में आपको मिलेगा। बात करें शुरुआती दाम की, 82,000 रुपये से शुरुआत होकर के उससे ऊपर जितना मर्जी चले जाओ 1.5 लाख तक का जो पशुधन है आपको ऑल टाइम इस फार्म पे देखने को मिलेगा। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव भूषणकला से लेकर के आए हैं, तहसील नारनौल लगती है इनकी, मोनू भाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्हीं के डेयरी फार्म पे, जोशी डेयरी फार्म, एक वीडियो पहले भी हमने यहाँ से कवर करी थी तो काफ़ी अच्छा पशुधन दिखाया था, काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम उस वीडियो को मिला। आज फिर जो दूसरी वीडियो है भाई के ही फार्म से लेकर के आ रहे हैं, ताज़ा ब्याई हुई भैंसे ऑल टाइम आपको इस फार्म पे अवेलेबल मिलेंगी, तो सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे। एक एक पशुधन की डिटेल्स बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। मोनू भाई सबसे पहले नमस्कार है। नमस्कार भाई, कैसे हो जी? ठीक हो? बढ़िया। पिछली वीडियो का क्या कुछ रिस्पॉन्स था? कुछ पशु निकले? निकले कुछ पशु? बढ़िया, ठीक है। तो अब की बार कितनी भैंसे लेकर के आए हो? 9-10 दिखा दे। 9-10 भैंसे, बोलते कम हो थोड़ा सा है तो नहीं, फिर क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं पर बताना चाहिए। 9-10 भैंसे रहेंगी। ब्याज की बात करें शुरुआत? दूसरे तीसरे ब्याज की है। और रेट की बात करें तो कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? कम से कम 82,000। अच्छा, और दूध की बात करें तो कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? कम से कम 12, कम से ऊपर तो 17-18। 12 किलो से 17-18 किलो दूध तक की भैंसे आज आप दिखा रहे हो। बिल्कुल। तो देखिएगा, कुछ कस्टमर्स भी आए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। तो सबसे पहले जो भाई का पशुधन है वो देख लेते हैं, सारी ताज़ा ब्याई हुई भैंसे। तो मोनू भाई, जो एक नंबर पे पशुधन है इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी है एक बार बता? दूसरे ब्याज की है। दूसरे ब्याज की, ठीक है। 20-22 दिन की ब्याई है जी। 13-14 लीटर दूध मौके पे तैयार है। सेकंड लैक्टेशन में पशुधन आप देखिएगा, 20-22 दिन की ब्याई हुई 13 किलो जो दूध है मौके पे तैयार बता रहे हैं। लंबाई ऊंचाई काफ़ी अच्छी और चेहरे की बनावट, सिंगों की क्वालिटी आप देखिएगा, पैरों के बीच का ऑर्डर है प्योर जेट ब्लैक टेल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करें बच्चा नीचे क्या है इसमें? नीचे कटड़ा है। तो कीमत मोल भाव ऐसे पशुधन का? एक रेट होगा भैया, 1,05,000 रुपये देना। 1,05,000 रुपये देना और लेना। तो कितना दूध लगभग और भी बढ़ा? आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने बेई ने बेरा ने क्यों हो गया उसके तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे न, जो तरह जेठ दवाई दिया करे वह तू भी देख देख ले। ऐसा कर तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझूं, सुनो के ए बावली देनू केल जेल दो भैंस ताई दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनू केल जेल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसीलिए धेनु केल जेल दुग्ध विकास के लिए बढ़ाएगी। अभी किलो आध किलो चराई से बढ़ा देगी। अच्छा। बाकी 13-14 तैयार है। 13-14 किलो दूध मौके पे तैयार, 1,05,000 रुपए जो बिल्कुल सटीक सा प्राइस है भाई ने रखा है। पशुधन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। धारचुआई की कैसी है? एक नंबर की। तो कोई भी भैंस देख लो। दूसरे नंबर का पशुधन है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? ये कल शाम को खेत से खाली की है, ठीक है। 14 लीटर दूध से स्टार्टिंग है। ब्याज की बात करें तो? दूसरे ब्याज की है। दूसरे ब्याज का पशुधन 14 किलो जो दूध है स्टार्टिंग है और खीस से इसको खाली किया गया। पैरों के बीच का जबरदस्त अर्डर, पीछे मूत्र मार्ग को टच करता हुआ, नीचे बच्चा इसमें क्या देखने को मिलेगा? नीचे कटड़ा है। तो ये कितना दूध दे देगी आपके एक अंदाजे? पहले ब्यात में अपने पास ही थी, 17 लीटर दूध तैयारी का था पहले ब्यात में। हाँ, तोल के लिया था मैंने, रख ली थी उस ब्यात जी, में जी।
तो अब की बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो? 20 से ऊपर ऊपर दूध निकाल लेगी। हाँ। तो देखिएगा सेकंड टाइमर बफलो है और सिंगों की क्वालिटी फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, लंबाई ऊंचाई काफ़ी बेजोड़, फोरहेडर से लेकर के साइड की टेट स्पेसिंग लगभग लगभग जो आर्डर है उसमें आगे का भी उतना ही दिखाव है, पीछे का भी उतना ही है। और बात करें पूंछ में एक्स्ट्रा सफ़ेद वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसकी क्या कुछ कीमत मूल भाव? 1,65,000। 1,65,000 रुपये जो कीमत जो कोस्ट है वो भाई ने रखी है। और तीसरे नंबर का जो पशुधन है उस पर चलते हैं, इसकी क्या कुछ जानकारी? काफ़ी अच्छी जोटी है ये भी, पाँचवें दिन की ब्याई है, 15 से ऊपर दूध, 13-16 उसका 17/15 मानना होगा। ये देखो जी पाँचवें दिन की ब्याई हुई झोटी 15 किलो दूध मौके पे तैयार है। पैरों के बीच का जबरदस्त अडर, मोटी मोटी वेन्स आप देखिएगा, पेट की चौड़ाई है झोटी में वो आप देख लीजिएगा, सिंगों की बनावट है वो आप देख सकते हैं, जबरदस्त लांड पांड में सेकंड टाइमर झोटी। तो बच्चा इसमें क्या है? नीचे कटड़ी भाई, नीचे कटड़ी है। ये कितना दूध दे देगी मोनू भाई आपके? 20 से बार बार, 20 किलो दूध से बार बार जाएगी, तैयार करके दे देंगे। अच्छा, तो कीमत मोल भाव 20 किलो दूध की 1,45,000 रुपये। 1,45,000 रुपये आप देखिएगा सेकंड टाइमर जो झोटी है इसकी जो कीमत जो कोस्ट है भाई ने रखी है। तो तीसरे नंबर का पशुधन अगले पे, चौथे नंबर का पशुधन उस पर चलते हैं, बता दीजिएगा। दूसरे ब्यात की है, सेकंड टाइमर, ठीक है, खीस से खाल लेकर रखी है जी, 12 लीटर दूध से ऊपर स्टार्टिंग। कितने दिन की ब्याई होगी? यस चौथे दिन की। तो देखिएगा एक और थोड़ा सा खुलेपन में सींग है, सेकंड टाइमर झोटी, और चौथे दिन की ब्याई हुई खीस से खाली कर रखी है, 12 किलो जो दूध है उससे उठी है, लंबाई ऊंचाई काफ़ी बेजोड़, पैरों के बीच का जो ऑर्डर है वो इसमें देखने को मिल रहा है। तो बच्चा पास बन रहा था, खीस है या नहीं, खीस नहीं, बच्चा पास बन रहा था, बच्चा था, बच्चे ने मुँह लगा दे। बच्चा क्या है इसमें? नीचे कटड़ा, नीचे कटड़ा। तो ये कितने की देनी है फिर? 1,18,000 रुपये। 1,18,000 रुपये जो कीमत जो कोस्ट है वो इसकी इन्होंने रखी है। और पशुधन है वो आप यहाँ पे फुल हाइट वजन की देख सकते हो, लंबाई ऊंचाई काफी जबरदस्त, हालांकि पीछे से थोड़ी सी मोनू भाई मैं कहूंगा टीट स्पेसिंग कम है। हाँ बिल्कुल कम, बाकी पाव सुने के बाद कम लग रही है। आर्डर की क्वालिटी है वो काफी अच्छी, तो काफी अच्छा पशुधन आज की स्पेशल वीडियो है। और एक वीडियो पहले भी कवर करी थी, 2-3 दिन पहले भी आपकी कॉल थी लेकिन मेरे को टाइम नहीं था, बता रहे थे आप 20-20 किलो दूध की झोटियां तैयार की थी। तो ये पशुधन आया है एक और जबरदस्त अडर क्वालिटी, ये दूसरे ब्यात की है, ठीक है, ब्याह हुई महीने से ऊपर है। हाँ, दूध 14 से ऊपर तैयार है। ये देखिएगा एक महीने से ऊपर ब्याई हुई सेकंड टाइमर जो बफलो है वो आप देख सकते हैं, और 14 किलो जो दूध है मौके पे तैयार, जबरदस्त जबरदस्त जो थनों के कूप है वो आपको देखने को मिलेंगे, और चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देख लीजिएगा, पीठ की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई काफ़ी ज़बरदस्त, जो बफलो काफ़ी ज़बरदस्त जो पशुधन है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितने की देनी है? 1,15,000 रुपये। 1,15,000 रुपये जो फाइनल प्राइस है वो इस बफलो का देखने को मिलेगा। तो लास्ट में 3 से 4 पशुधन और भी बचते हैं, अगले पशुधन पे चलेंगे, बता दीजिएगा। दूध मौके पे 13 लीटर तैयार है, ठीक है, 14 हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ब्यात की बात करें तो ब्यात तीसरा भी हो चौथा भी, इसका नहीं अंदाजा है। थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन में पशुधन 14 या 15 किलो जो दूध है मौके पे तैयार है, 13 अपना कम से कम मान लो जी, क्योंकि चल के आओ किलो आध किलो तो बता दें। लंबाई ऊंचाई काफी बेजोड़, पैरों के बीच का जो ऑर्डर है वो ये देखिएगा, अभी इन्हीं के फार्म पे आई है और 15-17 दिन की ब्याई हुई है। तो बच्चा नीचे इसमें कटड़ा, नीचे कटड़ा है। तो ये कितना दूध पीक पे दे देगी? वैसे नसें तो अच्छी खासी ले रखी भैया, दूध तो देखो बता दिया 14 हो 15 हो, पर 13 मान लो हम, तुम्हारे तो 15 तो ऊपर भर के आ, ठीक है। तो मनु भाई कीमत मोल भाव 85,000 रुपये एकदम। 85,000 रुपये में जो पशुधन जो बफलो है आप देख सकते हैं, इस स्तर की भैंसे भाई के फार्म पे। तो लास्ट में 2 पशुधन और बचेंगे, एक बार इनकी जानकारी और ले लेते हैं, बता दीजिएगा भाई। दूसरे ब्यात की, दूसरे ब्यात की है, 8-9 दिन की ब्याई जी, 16 से ऊपर दूध तैयारी का, 17 उसका। ये देखिएगा सेकंड टाइमर झोटी, 8-9 दिन की ब्याई हुई, 16-17 किलो दूध, पैरों के बीच का जो ऑर्डर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। वी शेप में लंबाई ऊंचाई है काफी जबरदस्त, और फेस वैल्यू है वो आप देखिएगा, बिल्कुल छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ। तो ये कितना दूध दे देगी? लगभग 17-18 आराम तक रखेगी, निकाल देगी, 16 तो तैयार ही है, ठीक है। बात करें जी कीमत मूल भाव 1,15,000। 1,15,000 रुपये में जो इस स्तर की झोटी है वो आप यहाँ पे देखिएगा, इस स्तर का पशुधन आपको इस फार्म पे ऑल टाइम अवेलेबल मिलेगा। तो लास्ट में एक पशुधन और मनु भाई, दूसरे ब्यात की, ठीक है, दूध मौके पर 11 लीटर, 11 किलो दूध मौके पे तैयार है। कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई होगी 15-17 दिन की। सेकंड टाइमर बफलो, पैरों के बीच का ऑर्डर है, 15-16 दिन की ब्याई हुई,
और ऊंचाई लंबाई आप देखिएगा, जबरदस्त जबरदस्त फेस वैल्यू है, छोटा सींग माथे पे जमता हुआ। बच्चा क्या है इसमें? नीचे कटड़ी है। तो ये कितने की देनी है फिर? 82,000 रुपये की। ये 82,000 रुपये की, और 82,000 रुपये में चेहरे मोरे की बनावट के साथ जो ऑर्डर की क्वालिटी है वो आप देखिएगा, जबरदस्त जबरदस्त जो लेवा है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में एक पशुधन, एक बफलो और बची हुई है, उसको और दिखा करके फिर से जो कस्टमर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो इसकी क्या कुछ जानकारी है? एक सिंह को नुकसान है हालांकि, बता दीजिएगा। हाँ भैया, कल शाम को खींच से खाली कर दी, तीसरे दिन की आज भी आई होगी। ठीक है। सुबह 5-5.5 लीटर दूध निकाला भी है। 5-5.5 लीटर दूध निकाला हुआ है गांव से ले रखा। ब्यात की बात करें तो दूसरे ब्यात में 16 लीटर दूध निकाला, तीसरे में भी आई, तीसरे में ये काविंग करी है। तो एक सिंह को नुकसान है हालांकि, रिसेंटली इसने काविंग करी है, और पीठ लंबाई ऊंचाई आप देखिएगा, अर्डर की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं। आपके अंदाजे से अब की बार कितना दूध दे देगी? 16 तो देगी, ऊपर कितना भी दो। तो कीमत मूल भाव 95,000 रुपए में जो पशुधन, जो बफलो है, ये आप देखिएगा बर्मा है, तो पूरा नीचे की बहुत तगड़ी है। अच्छा, जो ऑर्डर है भरा पूरा जो ऑर्डर, वो बच्चा इसमें क्या है वैसे? नीचे कटड़ी है। तो कुछ कस्टमर्स आए हैं गाजियाबाद से, लंबा सफर तय करके सीधा इनके पास लेकर के चलेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार है आपको, कैसे हो? ठीक हो? तो कितनी भैंसे खरीदी हैं आज यहाँ से? चार भैंसे खरीदी हैं भाई से। कितने टाइम से जुड़े हुए वैसे? पिछले ढाई साल से। तो ढाई साल में कितनी भैंसे आपके पास जा चुकी होंगी? 60 भैंसे आप खरीद चुके हो। कैसी भैंसे निकली आज? चलो किसी कोई भैंसे उलाहना नहीं है, सारी भैंस अच्छी निकली। अच्छा, लंबा टाइम दूध दे रही है। आपका माफी चाहूंगा, मैं शुभ नाम सबसे पहले जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कल्लू नाम है। कल्लू? कल्लू के नाम से ही बुलाते हैं गांव में सब, कल्लू के नाम। और असली नाम? असली नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश है। तो जयप्रकाश जी, 60 भैंसे आप बता रहे हो करीब करीब लेकर के गए हो, किसी भी भैंस में कोई उलामा किसी नहीं आया आज तक? नहीं। जितना दूध बताया वो? हाँ, उतना दूध, उतना दूध निकला है। तो भाव आप मेरे को बता रहे थे, मैम रोहतक हर जगह से खरीदी, और भाव की बात करें तो भाव आपको सिर्फ यहीं कैसा लगा? अच्छा रेट यहीं लगा। ठीक है। तो अपना क्या काम है दूध वगैरह का? दूध भी बेचते हैं और पशु भी बेचते हैं। पशु भी बेचते हो? मैं बोल रहा था अगर गाजियाबाद साइड में किसी भाई को एक आध पशु चाहिए तो यहाँ आने के लिए परेशान ना हो, भाई से संपर्क कर ले। वाले संपर्क कर ले। हाँ। तो गाजियाबाद के पशु पालकों के लिए खास बात ये है, करीब करीब कितने घंटे लगते हैं सर आपको यहाँ आने में? 6 घंटे। 6 घंटे लग जाते हैं। अगर कोई डायरेक्टली आपसे वहाँ संपर्क करेगा, 6 घंटे की ट्रैवलिंग आपकी बच जाएगी जी। तो क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं आपके, एक बार बोल बता। 750 जी, 555 जीरो 957 और नाम है आपका जयप्रकाश। तो प्रॉपर गाजियाबाद या कोई गांव है? गांव भूपखेड़ी। गाजियाबाद से कितना पड़ता है? 12 किलोमीटर। तो खरीद बेच लगभग रहती है। और आपके पास किस किस तरह की जो भैंसे हैं वो मिलेंगी फिर वहाँ? मेरे पास ज़्यादातर ताज़ी भैंस मिलेंगी, ताज़ा भैंसे मिलेंगी। ठीक है। दूध क्या भाव बिक जाता है सर? 54 रुपये किलो। तो और जो पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, इस डेयरी फार्म पे आना चाहिए? मैं तो दर्शकों से ये कहना चाहूँगा जी, आए विजिट करें। हाँ, और देखें। ठीक है। तो दूध वगैरह आप 2-3 समय का दूध देख के ले जाते हो? हाँ जी, दो टाइम का दूध पक्का देख के ले जाते हो। रहने खाने की सारी सुविधा है यहाँ? ठीक है। चले जी, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़ा बड़ा धन्यवाद मनु भाई, आपका ही बड़ा धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और काफ़ी अच्छी अच्छी जो भैंसे हैं वो भाई ने आज भी दिखाई हैं। तो कस्टमर रिव्यूज़ भी कहीं ना कहीं ज़रूरी रहते हैं, जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली इनके हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव भूषण कला से थी, और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।